आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मंगलवार को शास्त्रीपुरम स्थित डीपीएस स्कूल में वैक्सीन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 15 साल से ऊपर बच्चों को वैक्सीन लगाई गई। कैंप के दौरान डीपीएस स्कूल के प्रिंसिपल आर के पांडे ने पेरेंट्स से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन लगवाने की अपील की। कोरोना के बढ़ते प्रभाव और ओमिक्रोन के चलते 15 साल से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू किया गया है। 3 जनवरी से समूचे देश में अभियान शुरू किया गया। आगरा में भी जगह जगह कैंप लगाकर बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। शास्त्रीपुरम स्थित डीपीएस स्कूल में वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें 15 साल से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। जहां विद्यालय के बच्चों को वैक्सीन लगाई गई, वहीं अन्य स्कूलों के बच्चों और आसपास के रहने वालों को भी वैक्सीन लगाई गई। डीपीएस स्कूल की प्रिंसिपल आर के पांडे का कहना है कि डीपीएस स्कूल के अलावा आसपास के बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है, सभी इसका लाभ उठा सकते हैं। सर, ये कैंप हम लोगों ने कल ही लगा दिया था, आपने 3 तारीख को जैसे अनाउंस किया था भारत सरकार ने, 3 तारीख से हम लोग वैक्सीनेशन लगवाएंगे और उन्हीं बच्चों के लिए लगाएंगे जो मतलब 8 से 18 साल के, मतलब 18 साल तक जो क्राइटेरिया को मीट करते हैं। तो इन बच्चों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि अगर वो बच्चे कोविन ऐप पे अगर ये नहीं किए होंगे, रजिस्टर नहीं किए, तो भी स्कूल में आएंगे तो स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है। और इसके लिए हम लोग मतलब एक्चुअली बहुत जो बोलते हैं थैंकफुल हैं, CMO साहब के थैंकफुल हैं, डॉक्टर चंदेल के थैंकफुल हैं, डॉक्टर बर्मन के हैं, जो जिन्होंने हमें हेल्प किया कि भाई इधर पे आके हम लोग ये कैंप लगा सकें। और पहला दिन हम लोगों ने 250 बच्चों का लगाया था और अभी हम लोगों ने ऑलरेडी 300 बच्चों का लगा चुके हैं। डीपीएस स्कूल में वैक्सीनेशन कैंप सुबह 10 बजे से प्रारंभ हो जाता है। डीपीएस स्कूल की प्रिंसिपल ने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों को वैक्सीन अवश्य लगाएं। बस हम लोग यही बोलना चाहेंगे कि इस कैंप के द्वारा हम लोग जो भी देश की सेवा कर सकते हैं वो सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा बस यही उद्देश्य है कि बच्चे और आगे आए और वैक्सीनेट हो, ताकि हम लोगों में जो एक डर का माहौल है वो डर का माहौल हमसे दूर हो जाए और बच्चे भी आगे आ रहे हैं तो और आगे आए। हम लोग ये नहीं है कि सिर्फ DPS के बच्चों को आना है और वैक्सीनेट करना है, कोई भी बच्चा जो भी 15 साल के ऊपर है वो इधर पे आके वैक्सीनेशन कराना चाहता है तो करा सकते हैं, हम इसको और आगे ले जा रहे हैं। वैक्सीन लगवाने पहुंचे छात्र छात्रा बेहद उत्साहित थे। वैक्सीन लगवाने के लिए पहले से ही बच्चे स्कूल पहुंच चुके थे। जैसे ही वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ, उत्साहित तरीके से बच्चे वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे। प्रांजल टुकराल, इट फील्स गुड, नाउ आई एम वैक्सीनेटेड, आई डोंट हैव एनी फियर ऑफ कोरोना। यस, इट्स जस्ट बिकॉज़ ऑफ द पेन, बट इट्स नो नथिंग। कितना टाइम हो गया? अभी 5 मिनट्स, ज़्यादा नहीं है। नहीं सर, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील हो रहा है। यस सर, नो सर, राइट नाउ तो नो, नथिंग राइट नाउ। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रोन के बढ़ते प्रभाव और कोरोना के बढ़ते ग्राफ के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि नए साल से 15 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। 15 साल से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान किया था। उसी के तहत 3 जनवरी से यह अभियान शुरू किया गया है। अब लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है कि वे अपने बच्चों को वैक्सीन अवश्य लगाएं, जिससे कोरोना जैसी महामारी से बचा सके। गोपाल शर्मा, सी न्यूज़, आगरा।